हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ राकेश सिंह राजपूत, जेसीबी ऑपरेटर, और आज आया हूँ अपने खेत पर। आपको भी दिखाऊंगा अपना खेत। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में पता ही होगा, इस खेत में मैंने निकाला था कल्टीमीटर, जिसके कल्टीमीटर निकालने के एक दिन बाद ही पानी गिर गया। इतना तेज पानी गिरा कि खेतों में बहके निकल गया। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि मस्त कर दिया खेत को। अभी क्या है, अगर पानी नहीं गिरता तो अपन को कुएं में पंप रखना पड़ता है, जिसके बाद इसमें पानी निकालते। पानी निकालने के बाद इसको फिर इसमें जो फसल बोनी थी वो बोते। तो भगवान ने ऐसा किया कि पानी गिरा दिया, बहुत अच्छा किया। सभी किसानों को बहुत फ़ायदा हो गया इसमें। आप देख सकते हो बहुत ही नमी है, इसमें चल नहीं सकता हूँ मैं, इतना गीला है, आप देख सकते हो। देखते हैं अब ये कितने दिन में इसमें भरा पाता है। 2-4-8 दिन तो लग ही जाएंगे, जिसके बाद इसमें वापस से कल्टीमीटर निकालना पड़ेगा। कल्टीमीटर निकालने के बाद देखते हैं, डिसाइड करेंगे कौन सी फसल बोते हैं, आपको भी बताएंगे। बने रहिए मेरे साथ और आने वाले वीडियो में वो भी बताऊंगा। तो जब तक जेसीबी पर नहीं जा रहा हूं, तब तक खेती से रिलेटेड ही वीडियो बनाऊंगा। क्या क्या करता हूं, दैनिक दिनचर्या सब कुछ बताऊंगा। ये आप देख सकते हो अपने कुएं पे है इमली का पेड़, ये इसी के नीचे अपना रहेगा स्टाफ, यहीं पे बैठेंगे, यहीं से सब कुछ मैनेजमेंट करेंगे, क्या है क्या नहीं है सब कुछ आपको बताते रहेंगे। चलते हैं आगे की ओर। और क्या है, ये देख सकते हो, ये सीताफल का पेड़, इसमें सीताफल भी आए थे दोस्तों, परंतु अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं। सीताफल एक दिख रहा है छोटा सा, ये देख सकते हो, लगता है मुझे किसी ने तोड़ लिया और इसको कर दिया बिल्कुल साफ। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं और आगे क्या क्या होता है। ये क्या हो गया दोस्तों, ये था अपना स्टॉक रूम, ये कोर्ट स्टॉक रूम है दोस्तों, क्योंकि फसल निकालते थे तो इसी में डाल देते थे, इसलिए बनाया था स्टॉक रूम। तो अधिक बारिश होने के कारण मुझे लगता है कि ये क्या हो गया, इसको अधिक बारिश होने के कारण गिर गया है दोस्तों। देख सकते हो आप, इसकी कंडीशन तो बहुत ही ख़राब हो गई। देखते हैं, इसको भी रिपेयर करना पड़ेगा दोस्तों, टाइम निकाल कर। कब तक करते हैं रिपेयर वो भी बताएंगे आपको। देखते हैं, ये अब इसको मैं खोल नहीं सकता हूँ क्योंकि इसमें बहुत दिन से बंद है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसको अभी नहीं खोलेंगे, देखते हैं, अब टाइम निकाल कर करते हैं। इसको भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है, रहने के लिए भी सुविधा मिल जाती है, सब कुछ व्यवस्था जम जाती है, इसलिए इसको भी करना पड़ेगा कंप्लीट। और यह देख लीजिए आप अपना कुआं, ये है अपना कुआं। अभी हाल फिलहाल तो पानी इसमें फुल भरा है, देखते हैं अब इसमें पंप रखने के बाद ये कितना अपन को सांप देता है, कितने पानी निकलता है फसल में, ये तो अब इसमें पंप रखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि अभी बारिश तो अच्छी हुई थी, जिस कारण से अभी तक फुल भरा पैक। और ये देख सकते हो, इसको हमारे देसी भाषा में बोलते हैं टंकी, यानी कि होदी भी बोलते हैं और टंकी भी बोलते हैं, आप समझ जाएगा। चलते हैं आगे, यह है इधर अपने कुएं पर नींबू का पेड़, इसमें देख सकते हो नींबू लग रहे हैं दोस्तों, ये अभी कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं, लग रहे हैं बहुत कम लग रहे हैं, परंतु अधिक नहीं लग रहे हैं। और इस साइड भी देख लीजिए, एग्जांपल जामफल का पेड़ है, जामफल भी लग रहे हैं, ये छोटे छोटे अभी लग रहे हैं, अभी देखते हैं कब तक बड़े होते हैं वो भी बताएंगे आपको। और दोस्तों, चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।